जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 जय हिंद जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। चुनावी बिगुल बज चुका है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए और कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन किसान महासंघ इनका जो टीम है वो अभी पूरी तैयारी के साथ है और उन्होंने खुले तौर पर खुलेआम कह चुके हैं कि जो किसान का कर्जा माफ करेगा वही छत्तीसगढ़ में राज करेगा। ये खुली चुनौती है सरकार के लिए और इन लोगों की खुली तौर पर मांग है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो अपने वादा खिलाफी निर्णय अपने घोषणा पत्र में जो अगर लिखते हैं उसके बाद ही लोग उनको चिताने का एक हक रखते हैं। ये मुहिम लोग चला रहे हैं आज, इसी को हम कवरेज करने के लिए आए हुए हैं खेड़ागढ़ इतवारी बाजार में। तो भैया आप मन के मांगे क्या का है? हमार मांग है, मोर नाम है विनेक मंडावी, साले टोला के छोरिया ब्लॉक के हूँ मैं। तो हमार मांग है कि 20 क्विंटल धान देवो, पैसा लेबो चार के पार। अच्छा, ये हमार मांग है किसान संघ के। हाँ। और जो करेगा कर्जा माफ उस पार्टी का रास्ता साफ। अच्छा। और जो नहीं करेगा उसका पत्ता साफ। अरे बाप रे, ऐसे खुले है। हाँ, ये हमार मुद्दा है। रमन सिंह वाले 2 साल के बोनस ये मन के हेरी सभी तक नहीं दे। हाँ। तो ये 2 साल कौन नहीं दे है? कांग्रेस नहीं दे। कांग्रेस अपन घोषणा पत्र हम कर रही से तो कर्जा माफ तो हम करे ना, कहाँ कर्जा माफ करे। आने वाले बारा ये है बना थे आने वाले के लिए। वही निकातों में है जो पहली कांग्रेस सरकार आया से पहले तो कर्जा मान के बात कर रही से। हाँ। कर्जा माफ तो हो गए ना? वो हो गए। दूसरा बार पैनल बनाते है, मतलब ये हमारा पैनल बनाते। हर 5 साल में हमारे घोषणा पत्र किसान बनाते कि पार्टी वाले बनाते हैं, तो हम नहीं बना सकन का? बिल्कुल बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। तो हमारे जो किसान मन संगठन करी है और ये 2 साल के बोनस बार 2 साल के बोनस को देना होगा। अच्छा, और नहीं देंगे तो इससे बड़े आंदोलन हम करके रहेंगे। किसी टाइप से आंदोलन? जैसे कि कुछ दिन तो बचे हैं चुनाव है? कुछ दिन बचे तो हमारे किसान भाई मन चालू हो गए, अभी तो बहुत बड़े आंदोलन। हाँ। होने वाला है। जी जी भैया, आप हमारे नया युद्ध भाई दिखा दो। मैं एंडी से हूँ भैया। हाँ, कौन गाँव घर है? मैं एंडी से, टीकम भी मेरे भैया है। तो भैया जैन हिसाब से आप देखा तो किसान मन के आंदोलन में भी होती इस कंटिन्यू अभी हम ऐसे कुछ और का मांगे हैं। हमार मांग है भैया जो किसान के हित में काम करे वही ला सत्ता सरकार बैठावो। हाँ। हित में काम करे वही ला सरकार बैठावो। हाँ। हमको किसान, हम किसान, हम पैसा ले वो चार के हिसाब करना होगा। देख सकते हो पूरी किसान टीम के पूरा अपना घोषणापन मतलब तैयार कर चुके हैं मीडिया के माध्यम से। अगर हम मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करते हैं और बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों से, अगर आप घोषणा पत्र में लोगों की मांगे अगर रखते हो तो आप सोच सकते हो आने वाले विधानसभा में क्या होगा। नमस्कार।